तो गाइस जब आप खुद से जोमैटो में अपनी आईडी बनवाते हैं, जैसे ही आप फॉर्म को फिल करते हैं या फिर एप्लीकेशन के थ्रू आप जब ज्वाइनिंग करते हैं, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्हीकल या फिर लोकेलिटी का, यानी आप किस व्हीकल से अपनी जोमैटो आईडी बनवाना चाहते हैं। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपके पास सिर्फ चार ऑप्शन आते हैं, यानी व्हीकल के आप बाइक से ज्वाइन करोगे या फिर आप साइकिल से ज्वाइन करोगे या फिर आप ई साइकिल से ज्वाइन करोगे या फिर आप अदर व्हीकल से आप ज्वाइन करोगे। जस्ट उसके बगल में नीचे लिखा रहता है, अगर आप अदर व्हीकल से अगर आप ज्वाइनिंग करोगे तो नीचे लिखा रहता है डज नॉट रिक्वायर लाइसेंस, यानी आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, अगर आप जोमैटो में बाइक की आईडी बनवाना चाहते हो तो आपको सैलरी किस में ज़्यादा मिलेगी, यानी कि अगर आपकी साइकिल की आईडी बनती है या फिर अदर व्हीकल की आईडी बनती है या फिर आपकी ई साइकिल की आईडी बनती है, तो आपकी कंपेयर करूँ बाइक आईडी से तो किस में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकते हो। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस सबसे पहले देखिए, अगर आप बाइक की आईडी बनवाते हो तो सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद आपकी साइकिल की आईडी आती है, अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल की आईडी बनवा सकते हो, इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस से आप साइकिल की आईडी बनवा सकते हो। ई साइकिल कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रिकल आजकल साइकिल आ रही है वो आपकी ई साइकिल के अंदर आती है, जो बैटरी से चलती है। इसके बाद आता है अदर व्हीकल, जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं देना। अदर व्हीकल में आपके पास कोई भी व्हीकल हो सकता है, जैसे कि आजकल बैटरी वाली स्कूटी आ रही है, वो आपका अदर व्हीकल में आ जाता है। एक साइड में रखते हैं बाइक आईडी को और एक साइड में रखते हैं आपकी साइकिल, ई साइकिल और अदर व्हीकल को। इसका जो आपकी आईडी बनवाते हो, इन तीनों कैटेगरी में बाइक को छोड़कर, इसमें आपको ऑर्डर का जो पैसा होगा, जो आपकी सैलरी होगी जोमैटो में, वो आपकी डिफरेंट रहेगी। जैसे कि अगर आपकी बाइक की आईडी है तो आपको जोमैटो कंपनी पर ऑर्डर का मिनिमम 20 रुपये से लेकर मैक्सिमम जितना किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे, ऑर्डर कस्टमर के पास डिलीवर करोगे, जितना भी किलोमीटर होगा, तो आपको मैक्सिमम 50 से लेकर 100 रुपये आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, यानी कि पर और डिलीवर करने का। और अगर मैं उधर बात करूं, अगर आपकी साइकिल की आईडी है, ई साइकिल की आईडी है, फिर आपकी अदर व्हीकल से आपने आईडी बनवाई है, तो आपको मिनिमम एक ऑर्डर का 10 रुपये से लेकर 20 रुपये 5 किलोमीटर के अंडर में आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी साइकिल की आईडी है तो जोमैटो कंपनी आपको पास पास के ऑर्डर देती है, क्योंकि आपको एक ऑर्डर 20 से 30 मिनट के अंदर डिलीवर करना होता है। अगर मान लीजिए आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर आ जाता है, तो उसी ऑर्डर को आप देने के लिए कस्टमर के पास जाओगे, मान लीजिए आपके पास पिज्जा का ऑर्डर आया, तो ज्यादा टाइम आपका जो पिज्जा होगा कस्टमर का, वो ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण जोमैटो कंपनी साइकिल राइडर को पास पास के ऑर्डर देती है। ऐसे ही आपका अगर ई साइकिल है, जो कि इलेक्ट्रिकल साइकिल है, उसको भी पास पास का ऑर्डर मिलता है, कभी कभार उसको 5 किलोमीटर के ऊपर से ही ऊपर दे दिया जाता है। वैसे साइकिल आईडी को मैक्सिमम मैं बात करूं 3 से 4 किलोमीटर का ही ऑर्डर मिलता है, लेकिन राइडर ना होने की वजह से उसको थोड़ा 4 से 5 किलोमीटर भी जाना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपके पास अदर व्हीकल की आईडी है, तो उसमें जैसे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जैसे मैंने आपको बोला कि बैटरी वाली स्कूटी है, तो उसमें भी आपका जो ऑर्डर का पैसा होगा वो भी सेम रहेगा, आपको पास पास के ऑर्डर मिलेंगे। तो मैंने आपको दोनों में डिफरेंट बताया है कि आपको ऑर्डर का पैसा कितना मिलेगा। इसके अलावा देखिए, जो बाइक राइडर होते हैं उनको जो इंसेंटिव होता है वो भी उनको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इंसेंटिव जो होता है आपका पैसों के हिसाब से मिलता है। अगर मैं बात करूँ साइकिल आईडी, ई साइकिल और अदर व्हीकल की, उनको भी इंसेंटिव मिलता है, उनका इंसेंटिव बाइक आईडी की कंपेयर में बात करूँ तो उनका कम होता है, और मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि जो बाइक राइडर होते हैं उनका पेट्रोल का भी पैसा लगता है, और आपके पास साइकिल है या फिर आपके पास ई साइकिल है, अदर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो आपको आपका जो साइकिल है वो आप पैरों से चलाते हो, ई साइकिल आप बैटरी से चलाते हो, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आपकी बैटरी चलती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाइक राइडर को ऑर्डर का जो पैसा होता है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसका पेट्रोल का भी खर्चा होता है, और इसके अलावा बाइक की मेंटेनेंस भी होती है, जो कि आपको पता ही है। और आपको, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको आधा ही पैसा बाइक आईडी से साइकिल आईडी में मिलता है। और अब मैं बात करूँ, अगर आपकी बाइक की आईडी है और अगर आपकी इन तीनों व्हीकल की आईडी है, जैसे कि साइकिल की हो सकती है, ई साइकिल की हो सकती है, फिर अदर व्हीकल की हो सकती है, तो महीने में आप कितना सैलरी आप जोमैटो से उठा सकते हो।
जोमैटो में आपकी फिक्स सैलरी नहीं होती, जोमैटो में जितने आप ऑर्डर डिलीवर करोगे उतना ही पैसा आपके पास आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास बाइक की आईडी है तो यहाँ पर आप मंथली 20,000 से लेकर 30-40,000 के बीच में आप बड़े आराम से कमा सकते हो। अगर आपके पास ऑर्डर अच्छे आते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के ऑर्डर भी हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के ऑर्डर भी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ई साइकिल, साइकिल या फिर अदर व्हीकल की आईडी है तो उसमें आप आधा ही पैसा कमा सकते हो, यानी 15,000 से लेकर 25,000 रुपये के बीच में, क्योंकि आपके पास 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 के ऑर्डर आते हैं और दूर दूर के जो ऑर्डर होते हैं वो बाइक राइडर के पास जाते हैं। कभी कभार जो पास पास के ऑर्डर हैं वो बाइक आईडी के पास भी आ जाते हैं, अगर वहाँ पर साइकिल वाला आईडी राइडर वहाँ पर नहीं है। तो इतना ही डिफरेंट होता है आपकी साइकिल आईडी, ई साइकिल आईडी और यहाँ पर आपकी अदर व्हीकल में। तो मैंने आपको दोनों की सैलरी के बारे में बता दिया कि आप जोन सी भी आईडी बनाएं तो आप सोच समझ के बनाएं, क्योंकि आपकी बाइक के अंदर आपका पेट्रोल का खर्चा भी होगा, मेंटेनेंस का खर्चा भी हो सकता है। इसके अलावा साइकिल में आपको कोई भी खर्चा नहीं होता। साइकिल उठाओ, आपकी एक तो हेल्थ भी ठीक रहेगी क्योंकि आप उसमें वर्जिश भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आप डिपेंड कर सकते हो कि आपको किस व्हीकल से अपनी आईडी बनवानी है। सिर्फ मेरा मकसद यही था आपको एजुकेशन देने का कि आपको साइकिल आईडी में और बाइक आईडी में कितना आपको ऑर्डर का पैसा मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबाकर, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।